हेलो दोस्तों, आज का क्लास एसएससी रेलवे पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया है। तो आइए दोस्तों, देखा जाए आज का जो टॉपिक होगा परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज पार्ट आपका 8 होगा नंबर सिस्टम का, दे रखा है 42 नंबर प्रश्न, 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यह प्रश्न एमपी पुलिस 2020 में पूछा गया है। यानी कि आपको करना क्या है कि इसमें जब भी इस प्रकार की सवाल आपको दिखे तो 2 के पावर सबसे जो छोटी घात है उसी को आप कामन करेंगे। सबसे छोटी 25 घात है उसी को कामन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 पावर 1, यहाँ बच जाएगा 2 पावर 2। तो 2 के पावर 25 यहाँ इसे तोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 × 4, 2 पावर 25, 4 × 2 = 6 = 7। अब देखा जाएगा इस 2 से पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से जो घात 25 है उसे छोड़ देंगे, तो 2 से कोई ऑप्शन विभाज्य हो रहा है नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे हम। अब आपका 7 से कोई ऑप्शन विभाज्य हो रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी जब भी इस प्रकार की सवाल आपको दिखे तो सबसे छोटी जो बड़ी घात में हो, जो घात ज्यादा बड़ी बड़ी दी उसमें से सबसे छोटी घात कामन कर लीजिएगा, फिर उसी को जोड़ घटा लीजिएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 43, दे रखा है 240 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 240 सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न पूछा गया। यानी कि जब भी आपसे गुणकों की संख्या पूछा जा तुरंत उसका लसा ले लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका लसा 2 से कटाएंगे 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 × 1 = 5। यानी इसमें हुआ क्या है, 2 कितने हैं 4, 3 आपका 1 है 5 1 है। तो पहले आप पूरा गुणकों की संख्या निकाल लीजिए कि किससे किससे विभाज्य होगी। तो हमें क्या करना है, सभी यानी 240 किससे किससे विभाज्य होगी, तो इसमें एक घात जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5, इसमें एक घात जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, इसमें एक घात जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 5 × 10 × 20, 20 संख्या होगी जो इसे काटेगी। लेकिन बोला गया है दोस्तों कि 240 सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें 240 सम्मिलित नहीं है, तो केवल एक संख्या ऐसी है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 20 में से आप एक घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यानी इसमें 2-3 सवाल संख्या बोलता तो जितना संख्या बोलता हम उतना घटा देते। आपसे देखिएगा आगे प्रश्न संख्या 44 नंबर, दे रखा है 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है लेकिन 7 से नहीं। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 का प्रश्न दिया है। किया क्या गया है दोस्तों कि पहले 3 से विभाज्य है परंतु 7 से विभाज्य नहीं है, तो अब 3 से पहले हम 200 में भाग कर देंगे 3 से, तो 3 × 18 फिर 3 × 6 = 18, यानी हमें कंफर्म पता चल गया 66 संख्याएं जो है 1 से 200 तक उतनी 3 से विभाज्य होगी, लेकिन बोला गया कि 7 से विभाजित नहीं है, तो अब 3 और 7 का लसा ले लेंगे, तो 3 और 7 का जो लसा होगा आपका 21 होगा दोस्तों। अब 21 में से हम भाग करेंगे 200 में, तो 21 9 बार जाएगी, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यानी आपका हुआ क्या कि 9 संख्याएं जो होगी वो 7 से विभाज्य नहीं होगी। इसका कहने का क्या तात्पर्य था दोस्तों कि 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है परंतु 7 से विभाज्य नहीं है, तो उसमें करना क्या है कि 3 से विभाज्य होने वाली 66 है और 7 से विभाज्य वाली नहीं निकालेंगे, इसमें 3 और 7 का लसा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो इसमें बोला गया कि 3 से विभाज्य सबको गिनिएगा, आप सबको गिनिएगा, लेकिन जो 7 से विभाज्य होगी उसे आप नहीं गिनेंगे। तो इसका स्पष्ट हो गया मतलब कि 21 से जो विभाज्य होंगी जितनी भी संख्या है वो आपको नहीं लेना है, तो आप घटा लेंगे 66 - 9, 16 में से 9 जाएगा 7, यानी 57 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 45। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है? तो आपको करना क्या है कि 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम, तो 2/9 का जो व्युत्क्रम होगा वो 9/2 होगा, इसका व्युत्क्रम हम निकाल चुके हैं। 7/10 का जो व्युत्क्रम होगा वो 10/7, लसा लेंगे तो हो जाएगा आपका 14, 2 × 7 = 14, 9 × 7 = 63, 7 × 14 = 14, 10 × 20 = 20 जोड़ेंगे तो 83/14। लेकिन पूछा तो योग तो निकाल लीजिएगा, फिर उसके योग निकालने के बाद फिर व्युत्क्रम निकालना है, तो आप कर लेंगे उसे उलट देंगे 14/83, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 45। दे रखा एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, एक भिन्न का जो हर हर है अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है? आप देखिएगा यहां पे बोला गया है एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, इसका आप देख रहे हैं हर, तो इसमें 5 अधिक दिख ही रहा है लेकिन इसमें 7 अधिक दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें एक कही अधिक दिख रहा, ये भी कट जाएगा, इसमें 4 अधिक दिख रहा, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया है। कितना अधिक है? 9, 5, 14, पहला ऑप्शन ये मार देंगे, आगे हम नहीं सवाल पढ़ेंगे। कह रहा कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, तो अंश आपका 9 है, हर 14 है, तो अंश से 5 अधिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 47। दे रखा यदि 1² + 2² + 3² + 8 x² = x + 1 2x + 1/6 हो, तो 1² + 3² + 19² यानी इसमें आपको करना क्या है दोस्तों? यह सवाल बहुत बार पूछा गया, इस बार पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 में, तो आप इसका या तो आंसर ही याद कर लीजिएगा या तो लगाने का इसे तरीका समझ लीजिएगा। जब संख्याएं लगातार है यानी तो लास्ट वाला संख्या रखा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है उसमें, फिर 2 का गुणा करके +1/6 किया जा रहा है, यानी इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसमें सम संख्या का वर्ग नहीं दे रखा है, केवल विषम संख्या का वर्ग दे रखा है। यानी हमें करना क्या है कि 1² + इसमें आप देख रहे होंगे 2² हम अपने से लिख रहे हैं, 3² था, फिर इसमें 4 का नहीं है, यानी इससे स्पष्ट पता चल गया कि ।, कर दें हम और 20 का हम वर्ग लिख लें। यानी आप किए क्या है दोस्तों, यानी कि अब लगातार संख्या लिख चुके हैं 1² + 2² + 3 का, लेकिन हमें इतना पता है कि जो संख्या हम अपने से जोड़े हैं उसी को घटा लेंगे, 2 का वर्ग घटाएंगे, 4 का वर्ग घटाएंगे, फिर इसी तरह ।, 20 का वर्ग घटाएंगे, और हम सब में से माइनस कामा करके ले लिया है तो सभी अंदर का प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा ए लगातार हो गया, तो यहां पे रखेंगे लास्ट एक्स है, तो वहां पे हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 20 × 40 41/6 माइनस, इसमें 2 का वर्ग कामन करेंगे, तो आपका 2 का वर्ग जब कामन करेंगे दोस्तों, तो यहां पे 2 का वर्ग कामन कर दे रहे हैं, तो यहां 1 का वर्ग बचेगा, 2 का वर्ग बचेगा, प्लस ।, 10 का वर्ग लास्ट में बचेगा, यानी आपका हो क्या रहा है 2 × 4 इसका मान एकदम क्रम से संख्या हो गई 10 तक, तो 10 यहां पे रखेंगे लास्ट वाली इसी सूत्र पे, 10 और 1 = 11 और 10 × 20 = 21 √6, यानी हो जाएगा 2 से कटाएंगे 10 2 3 6 3 7 21, यहां से कटा देंगे तो 3 × 6 3 7 21, 2 से कटाएंगे 2, यानी कि 7 × 7 = 28, 10 का गुणा कर लेंगे माइनस 11 × 7 = 77 × 154 1540 घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 = 3, 8 में से 5 = 3, 1330 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। इसे आप क्या करिएगा, याद ही कर लीजिएगा आंसर, बार बार ये सवाल आप लोग के कंपटीशन में कहीं ना कहीं डाला जाता है दोस्तों, तो 1330 होगा, कैसे होगा आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 48। यह प्रश्न संख्या दे रखा है 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योग और गुणनफल का अनुपात क्रमशः इस अनुपात में है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा?
यानी दे रखा है कि उनके अंतर, तो a माइनस बी बराबर हम कर देंगे एक के, कोई कांस्टेंट से बाहर निकालना है तो कोई अनुपात से बाहर निकालने रेशियो से तो कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यहां पे बोल रखा है योग, तो a प्लस बी बराबर दे रखा है सात, तो सात के मान लेंगे। गुणनफल दे रखा है तो a इंटू बी बराबर 24 के कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें फिर गुणनफल ही पूछी जा रहा है। अब देखिएगा जो गुणनफल पूछा रहा है, जो 24 का गुणज होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 24 का गुणज यह है तो यह हो सकता है, यह 24 का गुणज नहीं है तो कट जाएगा, क्योंकि गुणनफल दे रखा है 24 का गुणज होना चाहिए, 24 का गुणज डी नहीं तो यह कट जाएगा, यानी यह दोनों में से कोई सही होगा। अब इसे करेंगे क्या हम, कि इसे हम समीकरण एक मान दे रहे हैं दोस्तों और इसे समीकरण दो मान दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो आप जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो दो ए बराबर उधर हो जाएगा आठ के, कटा देंगे तो ए बराबर चार के। तो इस समीकरण एक में रखेंगे, यहां पे एक में रखेंगे एक अमान, तो बी का मान निकल जाएगा तीन के। देखिए तभी ना चार के में से तीन के घटाएंगे तो एक के बचेगा। अब इन दोनों का मान यहां से रेशियो से निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा, एक का मान रख दिया जाएगा तो यह हो जाएगा चार के, समीकरण में से तीन मान दे रहे हैं, चार के गुणे तीन के बराबर 24 के। एक के से के कट जाएगा, चार तिहाई 12 दुना के 24, तो के का क्या मान आप देख रहे हैं दो, तो रियल निकालेंगे ए का मान, तो ए बराबर चार दुना के आठ। अब बी का मान रियल निकालेंगे तो आपका दो तिहाई 6, यानी आपका क्या देखने को मिला, गुणनफल पूछा जा रहा तो 8 अगुणे 6 48, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी किए क्या दोस्तों, दे रखा दो संख्याएं का अंतर दे रखा, तो a माइनस बी बराबर 1 के दे रखा अनुपात में, योग दे रखा है 7 तो 7 के हम कर लेंगे, गुणनफल दे रखा है a इंटू बी बराबर 24 के। इसमें गुणनफल पूछ रहा तो कंफर्म 24 का वो गुणज होना चाहिए, तो दो ऑप्शन कट गए थे, दो ऑप्शन बचे थे। फिर हम समीकरण मान के इसमें से k का मान निकाल लीजिएगा, फिर रेशियो का मान रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा किया क्या गया है, संख्या इतना में पांच का स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। तो आप देख रहे हैं 4 7 5 2 4 0, पांच का स्थानीय मान, तो पांच का स्थानीय मान निकालेंगे तो पांच, पांच के पीछे तीन संख्या है तो 3 0, यह स्थानीय मान निकल गया। जाति मान पूछा जा रहा है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो उसका जाति मान पांच ही होगा, ये तो इसमें दोनों का अंतर कर लेंगे तो 5000 में से 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4995। तो ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से बी। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा, दे रखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 47, फिर बी दिया 38, सी दिया 74, डी दिया है नन। यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है, यानी आप जिनको ट्रिक लगाना होगा, तो ऐसे सवाल जब मूल संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए ट्रिक होता है 11 ए प्लस माइनस बी बटा में 2। इसके लिए जब मूल संख्या निकालनी हो दोस्तों, तब देखिएगा 11 रखेंगे, ए की जगह पर क्या होता है तो योग, योग कहीं भी हो वो ए की वैल्यू होती है, तो यहां पर रख देंगे 11। देखिएगा जब सवाल में अधिक बोला रहेगा तो इसमें से प्लस माइनस में से कौन लेंगे, तो माइनस लेंगे, जब यहां पे कम बोला होता तो इस प्लस वाले को लेते। ए बी का मान हो जाएगा 27 बटा में 2, मल्टीप्लाई करेंगे 11 गिरे हम 121 माइनस 27 बटे में 2, तो आपका हो जाएगा 11 में से 94 बटा में 2 47, यानी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यदि जिनको ऑप्शन से ही सवाल लगाना है तो मान लीजिए कि उनके अंकों का योग 11 दे रखा, तो 4 7 11 फॉलो कर रहा है, 8 3 11, ऑप्शन से सभी पहला कंडीशन में दोनों अंकों का योग 11 सबका हो रहा है केवल डी को छोड़कर। अब कह रहा है कि यदि बदल देंगे हम तो वह संख्या कंफर्म 27 अधिक हो जाएगी, तो आप देखिए यदि हम 47 सही से हम बदल देंगे तो कन्फर्म ये 74 हो जाएगी, यानी अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं, तो आप कितना कम हो रहा है घटा लीजिए, 74 में से 47 घटाएंगे, 14 में से 7 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 27 अधिक हो जा रहा है। तो ऑप्शन से भी सवाल को लगा सकते हैं, जिनको ट्रिक चाहिए नहीं खोजना चाहता है लड़का,
हो सकता है कि ऑप्शन पहला ना दिया हो, तो आप इस सूत्र का यूज कर लीजिएगा, जब अधिक होगा तो माइनस, जब यहां पे कम होता तो प्लस। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 51, दे रखा तीन कुर्सी और 10 टेबलों की कीमत 9,856 रुपए है, तो 6 कुर्सी और 20 टेबलों की कीमत क्या होगी? आप क्या देख रहे हैं, तीन का ये क्या है, गुणज है, दुगुना है, 10 का ही दुगुना दे रखा है। यानी आपको करना क्या है दोस्तों, कि तीन का दुगुना 6, 10 का दुगुना 20, तो आप इसमें 2 का गुणा कर लीजिएगा, 9,856 गुणे 2, केवल 2 का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6 12 को 2, 2 5 10, 1 11 को 1, 2 8 16, 1 17 को 7, 2 9 18, 1 19 19,712 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कभी कभी क्या किया रहेगा, कभी कभी आपको भाग करना होगा तो उसमें से भाग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 52, दे रखा है ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए और सी का योग 146 है, तो ई का मान क्या होगा? यानी कि आप 5 संख्या लिख लीजिए, ए बी सी डी ई, 5 संख्या हम लिख लिए, विषम है कन्फर्म, और ए और सी का योग, तो ए और सी का योग 146 है, तो आप औसत निकालिएगा, औसत 2 संख्याएं थी ए और सी, तो हम 2 से भाग करेंगे, यहां पे जितनी संख्याओं का योग दिया होता हम उससे भाग कर देते, तो 2 7 14, 2 3 6, ये जो 73 निकला है दोस्तों, वो बीच वाली का मान निकलेगा, यानी ए और सी के बीच में किसका मान दिया, बी का, तो बी का मान हो जाएगा आपका 73। 73 एक विषम संख्या, विषम संख्या बोला भी था, तो आपका ये 2 जोड़ लेंगे 75, ये 2 जोड़ेंगे 77, आगे बढ़ाएंगे तो 79 हो जाएगा, इसे 2 घटा लेंगे तो 71। ई का मान पूछा जा रहा है, ई का मान, यानी ई का मान आप क्या देख रहे हैं, 79, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग 140 है, 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग क्या होगा? यानी आप समझ रहे होंगे कि क्रमिक से सम है ए बी सी डी ई, ये 5 हम लिख लिए हैं, इनके 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग 140 है, तो आप हमें बताइए कि 140 में 5 से भाग कर देंगे तो ये आपका औसत निकल जाएगा, औसत बीच वाली का मान होता है, 5 से कटाएंगे 28 5 140, जो 28 आया है दोस्तों ये सी का मान आया है, सवाल में सम बोला गया था, तो ये आपका 30 होगा, ये आपका क्या होगा 32 होगा, ये आपका 26 होगा, ये आपका 24 होगा, लेकिन इस ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि अगले 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि एफ जी एच आई जे, यही 5 संख्या होगी आपकी, इनका योग पूछा जा रहा, तो कंफर्म 32 पहले क्या आएगा, अगली संख्या सम 34 36 38 40 42, एक विधि आप देखिएगा शॉर्टकट क्या करना होगा, 5ों का योग करना होगा, तो इन 5ों में बीच वाली कौन संख्या है 38, 38 में 5 का केवल गुणा कर लीजिएगा, इन 5ों का योग निकल जाएगा, यानी 5 8 40 को 0 हाथ में लगा, 4 5 15 4 19 190, यानी ऑप्शन नंबर ए। किए क्या है दोस्तों, यदि आप जोड़ेंगे 34 36 38 40 42 को तो 190 ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या देखिएगा, जितनी संख्या होगी उसी में आप गुणा कर दीजिएगा, उन सबों का योग निकल जाएगा, अगली 5 का योग पूछा था। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा, दे रखा है 11 से भाज्य संख्या है, 11 से भाज्य का नियम बताया गया है, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 11 हो या तो 0 हो, यदि दोनों में से कोई संख्या होगी तो 11 से श्योर विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, तो आप ऑप्शन चेक करिएगा, हम एक एक छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ दिया है बीच में, फिर इसे छोड़ देंगे, तो आप क्या जोड़ रहे हैं 1 9 10 1 11, यानी आप पहला जोड़ रहे हैं तो 11, जो छोड़े उसे जोड़ लीजिए, 7 2 9 2 11, जो छोड़े हैं 11, यानी इन दोनों का अंतर करना है, सम स्थानों का योग माने विषम स्थानों का योग
घटाएंगे तो जीरो आ ही जाएगा, बताया गया है तो जीरो है या तो ग्यारह है, तो कंफर्म ग्यारह से कटेगा, तो पहला ऑप्शन ही सही है, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 55 देख लीजिएगा, दे रखा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है? अब आप देखिएगा ऐसे सवाल आपको शॉर्टकट में जिनको लगाना होगा, जब अंश में वृद्धि बोलेगा तुरंत उसे हर में लिख दीजिएगा, हर में कितना लिखेंगे, 25 वृद्धि है तो 100 में जोड़ लेंगे 125, इस शॉर्टकट लगा रहे हैं दोस्तों। हर में 20 कमी बोला है तो उसे अंश में लिखेंगे, ये जरूरी नहीं कि कमी है तो ही अंश में लिखेंगे, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, जो हर में कहेगा उसे अंश में, जो अंश में कहेगा उसे हर में। तो 20 कमी है तो 20 कम कर दीजिए 80, अगुणते 5/8, आप कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 25, 8 से कटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 25, 5 × 10 2/5 आ रहा है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।